कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का व्यूज़ ऑफ यू पे, जहाँ के आपके व्यूज़ बनेंगे हमारे न्यूज़, और इस न्यूज़ से रूबरू होंगे आप सभी। तो गाइज, आज है 13 नवंबर 2021। और 13 नवंबर 2021 तक के जितने भी करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, लेट्स मूव इट ऑन। फर्स्ट अपडेट कम्स रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी टिल 13th November 2021, या जो पहला खबर निकल के आता है हमारे अर्थव्यवस्था के संबंध में 13 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय होगी, ऐसा स्टेटमेंट पीयूष गोयल ने दिया है। पीयूष गोयल जो कि हमारे देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनका ये स्टेटमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो भारत का इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी इज बैक इन टू एक्शन। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि अपडेट निकल के आ रहा है रिगार्डिंग और इकोनॉमी, जिसमें कि इन्होंने और सारी चीज़ें भी, और सारे स्टेटमेंट्स भी एड ऑन किए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनका ये था कि पीयूष गोयल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल अक्टूबर के दौरान व्यापारिक जो निर्यात है $232 अरब, यानी कि $232 अरब, यानी कि $232 बिलियन। ठीक है, और चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान कुल FDI 62%, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 62% बढ़ा है। इसका मतलब कि हमारा इकोनॉमी सक्रिय है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात सही है, क्योंकि GDP तभी बढ़ता है जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। एंड कुछ समय पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बट उसका मैंने कुछ दूसरा नाम बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो दूसरा नाम दिया था मैंने उस वीडियो में। उसमें आपने देखा कि मैंने बताया कि जो भारत एक्सपोर्ट है बढ़ गया है। ठीक है, बेसिकली उसका पूरा कंक्लूजन जो था वो एक्सपोर्ट पर ही था, कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। तो एक्सपोर्ट जब भी बढ़ता है, इम्पोर्ट नहीं, आयात नहीं, निर्यात जब भी बढ़ता है, तो होता क्या है कि हमारे देश की GDP बढ़ती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी दोबारा एक्शन में आ रही है। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आता है 13 नवंबर 2021 या 13 नवंबर 2021 तक। द सेकेंड अपडेट कम्स रिगार्डिंग अवर इकोनॉमी टिल 13 नवंबर 2021, या जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल के आता है, बड़ी खबर निकल के आती है 13 नवंबर 2021 तक का हमारे अर्थव्यवस्था के संबंध में, वो ये है कि RBI द्वारा शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना, और इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2021 को। इस एकीकृत योजना के विभिन्न RBI विनिमय संस्थाओं में ग्राहकों की शिकायतों को शामिल किया जाएगा, उनके जो ग्रीवेंसेस, उनके जो कंप्लेन है, उनको शामिल किया जाएगा। अभी ग्राहक बैंक भी हो सकता है, NBFC भी हो सकता है, और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो गाइस, एक बड़ा अपडेट निकल के आता है 13 नवंबर 2021 या 13 नवंबर 2021 तक का। द फर्स्ट अपडेट कम्स रिगार्डिंग बिजनेस अफेयर्स टिल 13 नवंबर 2021, या जो पहला खबर निकल के आता है व्यापार मामलों के संबंध में 13 नवंबर 2021 तक का, वो ये है कि भारत में जो चाय का उत्पादन है, भारत में चाय का उत्पादन जनवरी सितंबर पीरियड के दौरान बढ़ गया। जनवरी सितंबर की जो अवधि है उसके दौरान भारत में जो चाय का उत्पादन है वो बढ़ा है। इसमें एक तरीके से हेड कह सकते हैं, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि 2020 की तुलना में जनवरी सितंबर के दौरान कुल वैश्विक काली चाय के उत्पादन में 94.45, यानी कि 94.45 मिली किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये किस वजह से हुई है। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, फुल डिटेल डिस्कशन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर पिन कर दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। उसमें आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि चाय का उत्पादन अभी क्यों बढ़ रहा है। देखिए, भारत के चाय का सबसे बड़ा बाजार है इराक में, एंड इस टाइम क्यों बढ़ रहा है उसका रीज़न आप जाके
इस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइज एक बड़ा अपडेट निकल के आता है, टिल 13 नवंबर 2021 या 13 नवंबर 2021 तक का। सो गाइज तब तक के लिए स्प्रेड पॉजिटिविटी टू बिकम पॉजिटिव, बिकॉज अ पॉजिटिव माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेपन टू विन एनी चैलेंज। सो गाइज तब तक के लिए आप सभी को व्यूज ऑफ यू की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद।